हेलो गाइस, बेहू तौसीफ और आप देख रहे हैं बिल्ली फॉर यू। दोस्तों, इंटरनेट जितना यूजफुल है उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है, और आज के डेट में हम सभी इंटरनेट यूज करते हैं। इंटरनेट के बगैर हमारी जिंदगी जैसे अधूरी है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन आपकी छोटी सी गलती, आपकी छोटी सी मिस्टेक आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो चलिए जानते हैं 8 ऐसी डेंजरस बातें जो कि आप ऑनलाइन करते हैं और आपको एहसास भी नहीं है इस चीज का। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिले हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन। यू आर टू सोशल। अगर आप बहुत ज्यादा सोशल हैं, अपनी सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर शेयर करते हैं, तो भी आपको सोचने की जरूरत है। फोटोज, वीडियोस, लोकेशंस, लाइव लोकेशंस, अपकमिंग इवेंट्स, अपनी फीलिंग्स, अपना ओपिनियंस, ये सारी चीजें हम लोग जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर शेयर करते हैं। अब प्रॉब्लम कहां पे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता के ऊपर कुछ ओपिनियन दे दिया अपना। बहुत सारे लोग गालियां भी दे देते हैं कमेंट सेक्शन, आप जाके देखो, यू नो, पता नहीं क्या मजा मिलता है। लेकिन फिर भी अगर उसने दे दिया, अब उसके फैंस या वो खुद आपको जेल भी डलवा सकता है, आपकी ठुकाई कर सकता है, या फिर जो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले आपके फ्रेंड्स होंगे ना, उनको आप खो दोगे। तो आप कभी भी कोई भी ओपिनियन देने से पहले, कुछ भी शेयर करने से पहले जरूर सोचो। लाइव लोकेशन है, अपकमिंग इवेंट्स है, कोई आपको मारना चाहता है, यू नो, ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। या फिर आप सारी इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करते हो, कोई हैकर है, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन से आपका पासवर्ड क्रैक कर सकता है। कुछ भी हो सकता है। अगर आप लड़की हैं, यू नो, अपनी हॉट एंड सेक्सी टाइप फोटोज अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर शेयर करती हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है, हो सकता है उस फोटोज का स्लाइड शो आपको कभी पॉर्न साइट के ऊपर नजर आ जाए। तो आप आज के बाद से कुछ भी पोस्ट करने से पहले एक बार जरूर सोच लें उसका नेगेटिव, उसका डेंजरस पहलू आप जरूर सोच लें। फेक न्यूज। दोस्तों, आज के डेट में अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे किसी भी न्यूज आर्टिकल्स या फिर फोटोज वगैरह को देख करके उस पर यकीन कर लेते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये आपको फिजिकली हार्म नहीं पहुंचाएगा, ये आपको मेंटली बर्बाद कर देगा, आपकी आइडियोलॉजी चेंज कर देगा, आपको जो है किसी से नफरत करवा देगा, और आपको एक्चुअली स्टोरी पता भी नहीं होगी। तो किसी भी न्यूज को पढ़ने से पहले, यू नो, पढ़ने के बाद उसे शेयर करने से पहले, उस पर यकीन करने से पहले, ये 100% वेरीफाई कर लो कि वो जेन्युइन है। आज के डेट में क्या होता है कि जैसे मेरी न्यूज फीड है ना, यू नो, अगर मैं मुसलमान हूं, एक्चुअली स्टोरी बता रहा हूं, उसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं, अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरे फीड में जो है ना, यू नो, हिंदू के खिलाफ चीजें दिखेंगी। अगर आप, यू नो, हिंदू हो तो आपके फीड में जो है ना मुसलमानों के खिलाफ चीजें दिखेंगी, और हम लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। यार, ये सबसे बड़ी गलती है, हम लोग उसे वेरीफाई नहीं करते, हम लोग उस पर यकीन कर लेते हैं और हम लोग उसे शेयर भी करना शुरू कर देते हैं। मतलब अपनी मेंटलिटी तो हमने खराब कर ही ली और दूसरे की भी मेंटलिटी खराब करते हैं। तो आज के डेट में आपको जो है ना, यू नो, लगभग 70-80% जो है ना फेक न्यूज मिलेंगे, और वो चीजें जो कि आपको देखने में अच्छी लगती हैं, वो न्यूज आपको मिलेंगे ताकि आप उस पर बिलीव कर लो, आप शेयर कर लो। आपको जो है दूसरे धर्म्स के खिलाफ चीजें मिलेंगी, यू नो, दूसरे पार्टीज के खिलाफ आपको चीजें मिलेंगी, और आप उसे इजिली बगैर वेरीफाई किए हुए उसे आप शेयर कर देते हो। तो ये आप जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप अपना दोस्त खो दोगे, आप अपना कॉन्सेप्ट खो दोगे, इससे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअल में बहुत सारे लोग हैं इसकी वजह से बर्बाद हो चुके हैं। ये यहां की चीज है, हो सकता है आपको ये चीज समझ में भी नहीं आए, लेकिन फिर भी आज के बाद से किसी भी न्यूज, किसी भी, यू नो, फोटोशॉप के, यार बहुत ही आसान चीज है, हम लोग फोटोज वगैरह देखते हैं और इस पर डायरेक्टली यकीन कर लेते हैं। आज के डेट में तो फोटोशॉप आप मोबाइल से कर सकते हो, फिर भी हम लोग उस पर बिलीव कर लेते हैं। तो आज के बाद से किसी भी फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर कोई भी न्यूज दिखे, तो उसे पहले वेरीफाई करो, उसके बाद उस पर यकीन करो, उसके बाद उसे शेयर करो। वैसे अगर कुछ बुरी चीज हो, किसी के बारे में कुछ गलत हो, तो उसे शेयर ना करना ही बेहतर है। इंटरनेट बैंकिंग। अगर आप ये सोचते हो कि इंटरनेट बैंकिंग सेफ है, हाँ सेफ है, लेकिन आपकी छोटी सी गलती, आपकी छोटी सी लापरवाही आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, आपके पैसे उड़ा सकती है। एक्चुअली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल, आप जो है आईसीआईसी का इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो, और जो हैकर्स हैं, स्कैमर्स हैं, चोर हैं, वो क्या करते हैं, बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला क्लोन वेबसाइट बना देते हैं।
थोड़ा सा URL मिस्टेक होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप उस वेबसाइट के ऊपर जाते हो, आपको बिल्कुल सब कुछ रियल लग रहा है, आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालते हो और बूम, आपके पैसे गायब, या फिर आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है उसके पास चली जाएगी। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रस्ट की वजह से उस वेबसाइट्स को बुकमार्क करके रखा हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाईजान है, उनके पास बहुत पैसा और उन्हें अपनी बैंकिंग को बुकमार्क करके रखा हुआ है, और मैंने क्या किया, एक क्लोन वेबसाइट बनाया और उनकी वेबसाइट्स का लिंक जो है उसके बुकमार्क का लिंक जो है मैंने चेंज कर दिया। अब वो समझ रहे हैं कि ओरिजिनल वेबसाइट है और सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, मैंने पैसे चोरी कर लिए। तो आपको आप जब भी जाएं इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए तो पहले वेरीफाई कर लें कि ये 100% जेन्युइन वेबसाइट है, वरना आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइंदा आप इस चीजों का ख्याल रखें। वायरस हैव बीन डिटेक्टेड, आपका मोबाइल जो है, आपका कंप्यूटर जो है वो इन्फेक्टेड है, उसमें इतने वायरस है, इस सॉफ्टवेयर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसे क्लीन कीजिए। इस तरह के पॉपअप, इस तरह के मैसेज आपको कई बार देखने को मिलते होंगे जब आप अनसेफ अनसिक्योर वेबसाइट वगैरह पे विजिट करते हैं, तो टॉरेंट वगैरह डाउनलोड करनी हो, या फिर मूवीज वगैरह डाउनलोड करनी हो इलीगल तरीके से, या फिर जो है आप पॉर्न वगैरह देखने के लिए जाते हो, तो वहां पे आपको जो है इस तरह के मैसेजेस मिलते हैं कि आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में वायरस है, डैमेज है, आप जो है ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसे क्लीन कीजिए। तो कभी भी याद रखना, कभी भी टॉरेंट डाउनलोड करना गलत है लेकिन करो फिर भी सही है, पॉर्न देखना गलत है देखो, लेकिन अगर इस तरह का मैसेज कुछ आता है तो आप उसे कभी भी डाउनलोड मत करना। ऑनलाइन शॉपिंग विथ ग्रेट डील, आईफोन एक्स अगर आपको कहीं पे 100 रुपीज में मिल रहा है तो उसके पीछे कभी भी मत भागना। एक्चुअली इस तरह के ईमेल्स, इस तरह के मैसेज जो है कई बार हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेज देखने को मिला होगा कि आईफोन एक्स या फिर कोई भी फोन या फिर कोई भी महंगी चीज आपको जो काफी सस्ते में मिल रही है, आपको 10 लोगों को जो है अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और काफी सारे गधे बेवकूफ लोग उसे फॉरवर्ड करते हैं, उन्हें लगता है कि ये एक्चुअल में सही है, और एक्चुअली लगे भी क्यों ना, वो बिल्कुल अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी साइट जो है बना देते हैं, बिल्कुल वैसा ही दिखने में लगेगा, वैसा ही पेमेंट ऑप्शन आपको आएगा। तो आपको अगर कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर अच्छी डील मिले, अनएक्सपेक्टेड डील्स, तो उस पर डायरेक्टली यकीन मत कर लेना, पहले उस चीज को वेरीफाई करना। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी ऑर्डर किया है ऐसा, काफी सस्ते में, लेकिन उन्हें अगर कुछ मिला भी है ना तो खाली डब्बे में पत्थर और कूड़ा करकट ही मिला है, या फिर वो कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें नहीं मिलता है। तो आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट स्नैप डील जो भी ट्रस्टेड साइट्स हैं उनसे शॉपिंग करो, आप किसी भी अनसेफ अनसिक्योर या फिर ऐसे वेबसाइट से शॉपिंग ना करो जो कि आप नहीं जानते हो, जिसके बारे में आपने नहीं सुना है, या फिर आपको मन भी कर रहा है ना तो आप जो है एटलीस्ट उससे रिलेटेड रिव्यूज वगैरह, उससे रिलेटेड सर्च करके देख लो कि वो सेफ साइट है या नहीं है। तो ग्रेट डील अगर मिल रही हो किसी अनसेफ वेबसाइट के ऊपर या अनसेफ लिंक के ऊपर, तो आप उसे जरूर सोचना एक बार खरीदने से पहले। दोस्तों आज के डेट में अगर हमें कहीं पे फ्री वाईफाई मिल जाता है तो हम लोग काफी खुश हो जाते हैं कि चलो यार फ्री वाईफाई है और हम लोग अपना काम जो है वहां पे करने लगते हैं, जो भी काम करना हो। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको कभी भी फ्री वाईफाई से कनेक्ट ही नहीं होना, अपने डिवाइस को कनेक्ट ही नहीं करना है। चलो एग्जाम्पल के तौर पर आपने कनेक्ट कर लिया तो आप जो है वहां पे नॉर्मल चीजें कर सकते हो, वीडियोस वगैरह देखो, नॉर्मल सर्फिंग वगैरह करो, लेकिन कभी भी वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि बैंकिंग हुआ, शॉपिंग हुआ, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, मेल्स वगैरह हुआ, ये सारी चीजें कभी भी मत करना, क्योंकि वो डेटा आपका चोरी हो सकता है, आपके जो है पैसे गायब हो सकते हैं आपके बैंक अकाउंट से अगर आप वहां पे करते हो, हाई रिस्क होता है। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, फ्री वाईफाई आपको बताइए कि जहां पे भी फ्री वाईफाई होता है 10 लोग तो होते ही है यूज करने वाले, तो फ्री वाईफाई डाल करके वो आपको फुल्ली दे दिया, चलो भाई आपको जितना यूज करना, और वो बैक एंड में आपका जो है फोन एक्सेस कर रहे होते हैं, आपका डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं, ऐसी चांसेस हैं। तो आप कभी भी पब्लिक वाईफाई के ऊपर इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, इंपॉर्टेंट चीजें यूज मत करना, पब्लिक वाईफाई से वैसे दूर ही रहना बेहतर है। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग जो है अपनी सभी लॉगिन के लिए, सभी वेबसाइट्स के लिए सिंगल पासवर्ड यूज करते हैं ताकि हम उसे याद रख सके, लेकिन आप सोचो कि अगर उसे किसी ने
देख लिया, किसी ने गेस कर लिया, तो वो आपके एंटायर इंटरनेट वर्ल्ड को एक्सेस कर सकता है, आपकी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जो भी आपकी सर्विसेज हैं उससे वो एक्सेस कर सकता है, क्योंकि आपने सिंगल एक पासवर्ड रखा है और उसे तो उसने क्रैक कर ही लिया है। तो आप कभी भी सिंगल पासवर्ड सभी के लिए यूज मत करो, हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग पासवर्ड यूज करो, ये आपको बहुत प्रॉब्लम भी डाल सकता है। तो आज के बाद से नो सिंगल पासवर्ड। इंटरनेट के ऊपर अगर आप किसी भी वेबसाइट एप्लीकेशन के ऊपर साइन अप करोगे तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन होता है जिसे हमें एक्सेप्ट करना होता है, और हम लोग सिंपली मार्क करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वैसे भी यार क्यों पढ़े यार, 5, 10, 15, 20 पेज का वो टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उतना टाइम किसके पास है। लेकिन फिर भी आपको जो है उसे सरसरी निगाह से रीड कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। जब आप बाद में आपको प्रॉब्लम होगी ना, तब आप जाओगे उसे रीड करने के लिए, क्योंकि क्या हुआ था। तो आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर साइन अप करो, उससे पहले उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, यू नो, एक्सेप्ट करने से पहले उसे जरूर रीड कर लिया करो। फॉर एग्जांपल, आपने जो है एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, आपने उसे सारी परमिशन दे दी, कैमरा, फोन, यू नो, ईमेल, फोटोज, सारी चीजें वो आपकी एक्सेस कर सकता है, और फॉर एग्जाम्पल उसने आपका फोन नंबर यूज करना शुरू कर दिया, यू नो, ईमेल्स वगैरह यूज करना शुरू किया, आपको जो है अनवांटेड ईमेल्स वगैरह आने लगे, ये सारी चीजें, और आपको पता चला कि ये एप्लीकेशन जो है हमारे इन सब चीजों को यूज कर रहा है, आपने उस पर क्लेम किया, यू नो, उस पर कंप्लेन किया, और बाद में पता चला कि वो चीजें उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली लिखी हुई थी कि ये चीज हम आपकी एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज हम आपकी यूज कर सकते हैं। या फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई, आप जो है सपोर्ट में आपने फोन किया कि यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, उसने कहा कि यार ये तो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि ये चीज नहीं हो सकता, ये चीज आप नहीं कर सकते। तो आज के बाद से एक सरसरी निगाह जरूर डाल लो यार, जो चीज सस्पिशियस आपको लगे उसे पढ़ लो, लेकिन एक बार उसे ओपन करके सरसरी निगाह से देख जरूर लेना टर्म्स एंड कंडीशन। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।